हम लोग डिस्कशन कर रहे थे स्टेबिलिटी ऑफ कारबाइन। जो भी ऑनलाइन में बच्चे क्लास कर रहे हैं, प्लीज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन पे फोकस करेंगे। वजह यह है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन अगर आपका क्लियर रहेगा, देन एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझ में आएगा, और परसेंटेज ऑफ फिनॉल कंटेंट। ठीक है, दैट्स व्हाई डोंट टेक इट लाइटली। ए बी और सी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन का ऑर्डर क्या होगा? और एक बार पढ़ाने के बाद टाइम नहीं देना है। हिंट ये है, इसका कौन कौन सा मेजोमेरिक इफेक्ट होता है? सर दोनों होता है, प्लस एम और माइनस एम। बट यहाँ पे फिनाइल कौन सा एम शो कर रहा है भाई? होमेट क्या? क्यों? ठीक है, आपने आंसर सही बोला। एक तो गेस करने वाला बात है नहीं। होमोटॉमिक पाइबोन जब मेन गेट पे रहता है तो होमोटॉमिक पाइबोन कैन ओपन इन बोथ वे। तो यहाँ पे इफ़ नेगेटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाइबोन देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पाइबोन। तो यहाँ पे फिनाइल इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है? रेजोनेंस में ले रहा है, तो इसको यहाँ पे कौन सा एम्स बोलिएगा? ऑब्वियसली माइनस एम। ऐसे चीज़ों को एनालाइज करना है, ऐसा नहीं कि हाँ आंसर देने के बाद जो आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल पैरेलली रीजनिंग के साथ चलना पड़ेगा। ऑर्गेनिक में कुछ तो रीजन रहेगा, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में रीजन ही रहता है, राइट? दैट्स वाई माइनस एम। तो यहाँ पे वन माइनस एम, यहाँ पे टू माइनस एम, यहाँ पे थ्री माइनस एम, करेक्ट? ऑर्डर क्या हो जाएगा? समझ में आ गया? यहाँ पे कौन सा एम शो कर रहा है? माइनस एम शो कर रहा है, बट होता दोनों इसका है। तो सी ग्रेटर एन बी ग्रेटर एन ए, करेक्ट है ना? अब इसी को मैं एसिडिक करेक्टर ऑफ और एसिडिक करेक्टर में मैं यूज करूँगा। कैसे? आने के रूप में तो पढ़ा दिए हैं, सबों क्लास किए हैं। किसी भी मॉलिक्यूल से एच प्लस को रिलीज करते हैं तो क्या बनता है? यस, कंजुगेट बेस। और इस वहाँ पे बोलेंगे एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। तो एसिडिक कैरेक्टर पूछेंगे तो कंजुगेट बेस बनाकर उसका स्टेबिलिटी चेक करेंगे, और कंजुगेट बेस का मतलब कार्बन आयन चेक करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, राइट? तो जो चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हो कहीं पे यूज होगा। और ऐसे भी इसका नाम क्या है? इंटरमीडिएट। तो कोई तो ऐसा रिएक्शन रहेगा जिसमें ये बनता होगा, कोई तो ऐसा रिएक्शन रहेगा। एक रिएक्शन तो ऑलरेडी देख चुके हैं, वर्क रिडक्शन। दूसरा अल्काइन जब पढ़ाते रहेंगे तो वहाँ भी एक रिएक्शन होता है इवन सी भी, जिसमें कार्बन आयन ही बनता है। ठीक है, हो गया ना? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। इसको प्रॉपर रीजन के साथ बोलना है। ई और बी में किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा? भाई ऐसे तो नहीं होगा, लिखना पड़ेगा। क्या होगा आंसर? बी ग्रेटर देन यहाँ देखें स्टूडेंट,
पूरा डीके सीन सॉल्व करना पड़ेगा श्याम ना, समझे? इसका आंसर देने का मतलब इन दोनों का माइनस एम का ऑर्डर निकालना, किसका माइनस एम ज़्यादा और क्यों। तो इसको अभी भूल जाइए, इसके अंदर रेजोनेंस तो पक्का होगा, इसका नाम पिरिडिन है ना, राइट? पिरिडिन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो पक्का ड्रॉ किया है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है, क्या यहाँ का लोन पे रेजोनेंस में जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? एसपी हो जाएगा, पॉसिबल। तो इसमें ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ किए होंगे, इसको दोबारा ड्रॉ नहीं करूँगा, किसी को कन्फ्यूजन हो तो जाके मेरा रेजोनेंस का चैप्टर में देखेंगे, ए डैम से एग्जाम्पल लिया होगा, ठीक है? दो क्लास तो रेजोनेंस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते रह गए आपके बैच में। तो जब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ किए थे तो इसका ओपन हुआ तो ऐसे हुआ था, डेल प्लस डेल प्लस डेल प्लस और यहाँ पे डेल डैश माइनस। इसका मतलब है कि इसके अंदर जब रेजोनेंस होगा तो डेल डैश माइनस डेल प्लस डेल प्लस डेल प्लस डायरेक्टली इस कार्बन पे आ रहा है पॉजिटिव करेक्टर, बट यहाँ पे नाइट्रोजन रहेगा तो डेल प्लस और डेल प्लस क्या है, डायरेक्टली इस कार्बन पे आप आया नहीं आया। तो किसका पुलिंग पावर ज़्यादा रहेगा, और इसका ज़्यादा रहेगा तो दिस ग्रेटर देन दिस माइनस एम का ऑर्डर। और ऐसे भी देखिएगा, यहाँ का जो निगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा इस रिंग के साथ तो वो निगेटिव डायरेक्टली नाइट्रोजन पे आएगा, बट ए निगेटिव चाह कर भी डायरेक्टली नाइट्रोजन पे आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, करेक्ट? दैट्स वाई किसमें यहाँ पे पिरिडीन का रिंग ज़्यादा माइनस एम शो कर रहा है, किस कार्बन आयन के लिए? इस कार्बन आयन के लिए ज़्यादा शो कर रहा है, इसके लिए कम कर रहा है। इसका माइनस एम ज़्यादा होगा भाई, इसका माइनस एम कम होगा। मैंने सही एक्सप्लेन किया, आप लोग सेटिस्फाई हो? ठीक है, देन ए ग्रेटर बी, हिंट मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है, लिख लीजिएगा। समझ रहे हैं ना कैसे करना है? चलिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल कार्बोकोटाइन में लिया हूँ, विच वन आर मोर स्टेबल? कार्बोकोटाइन में ऑलरेडी ले चुका हूँ, बोलना है रुद्रांग, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, प्रॉपर पढ़ाई पे फोकस करके एकदम सब कुछ। कौन सा और क्यों? ए मच मच ग्रेटर एन बी, इवन ए पे यहाँ पर तीन प्लस एम है, राइट? कार्बोकटायन के साथ फिनाइल कौन सा एम शो करेगा, बोलना पड़ेगा, वोकल होना पड़ेगा, चुप रहने से काम नहीं चलेगा, प्लस एम, राइट? बट फिर भी सर इसका ज़्यादा क्यों कर दिए? ए एरोमेटिक कार्बोकटायन है, कौन सा है? एरोमेटिक कार्बोकटायन और मच मोर स्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू नॉन एरोमेटिक, करेक्ट? तो रीजन ये था, इसको लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ऑलरेडी ले चुके एग्जाम्पल। सबसे पहला क्वेश्चन, एरोमेटिक सिस्टम है या नहीं है? है या नहीं? बिल्कुल है। पहला रिंग होना चाहिए, प्लेनार होना चाहिए, और हकल रूल 4n+2 होना चाहिए, और जिसके वजह से एरोमेटिक है वो पूरा कंप्लीट साइक्लिक डीलोकलाइजेशन। इसका पांच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, sp2 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 एंड दिस वन अगर sp3 है भी
तो डायरेक्टली कार्बन से अटैच है तो सारा कार्बन सेम प्लेन में रहेगा, एसपी टू कार्बन से डायरेक्टली कोई अटैच रहेगा उसको भी सेम प्लेन में होना पड़ता है, ए रूल है। तो मतलब है कि पूरा रिंग प्लेनार है, उसके बाद रिंग तो है ही प्लेनार भी है। 4n+2 हो गया कितना, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6। और इसका जब रेजोनेंस करना स्टार्ट करेंगे, रेजोनेंस अगर करेंगे तो सारे कार्बन पे एक बार निगेटिव जाएगा, 5 इसका रेजोनेटिंग का स्ट्रक्चर था। इसमें तो बॉन्ड ऑर्डर भी निकाले थे, कितना बॉन्ड ऑर्डर आया था, (1.4)(2×2+1×3)/5(7/5)(1.2)। समझ गए मैंने क्या बोल दिया, कहीं हर जगह पे दो बार डबल बॉन्ड आया है और 3 बार सिंगल बॉन्ड रहा है, करेक्ट। एनीवे तो ये सिस्टम क्या है, एरोमेटिक। सर ये कहाँ पे पढ़ाए थे, कहाँ पढ़ाए होंगे, पढ़ाए हैं नहीं पढ़ाए हैं, तो बोलना है कि कहाँ पढ़ाए थे, इसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। रेजोनेंस के बाद एरोमेटिसिटी का क्लास लिया होगा राइट, 2.5 क्लास, वहाँ पे तो ये सब एग्जांपल ऑलरेडी लिया हुआ है राइट। मतलब कहने का सेंस है कि जो पढ़ा चुके उसको मतलब ऐसा लगना चाहिए हाँ पढ़ लिए हैं, इसने सर कहाँ पर हुआ था पता नहीं चल पा रहा है। इसका मतलब या तो बहुत हाई इंटेंसिटी के साथ क्लास में नहीं हो, आएँ तो बहुत पीछे हो, दो ही बात हो सकता है नहीं, तो उसमें कौन सा बात है, रिवीजन कीजिए भाई मेरा ऑर्गेनिक का लेक्चर का, बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनिक का नोट्स है मेरा, बहुत फ़ायदा में रहिएगा। अगर पूरा ऑर्गेनिक का क्लास नोट्स अगर डाइजेस्ट कर लिए तो फिर आपको कोई टच नहीं कर पाएगा ऑर्गेनिक में बीएससी लेवल तक, नीट तो बहुत दूर की बात है, तो 12th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम है, बट अब पढ़िएगा नहीं तो कैसे काम चलेगा। चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ देखिए ए और बी में कौन ज़्यादा स्टेबल, कौन सा जो आपके मन में आ रहा बोलना है, ए माइंड में चल रहा होगा सर एरोमेटिक है, यस मतलब ये विग्रस्ती इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, तो कार्बो कटायन के लिए सही था, बट कार्बन आयन के लिए कोई और फैक्टर है। कार्बन आयन के लिए फैक्टर है कि कार्बन पे निगेटिव चार्ज होना बहुत बड़ी बात होती है, कार्बन पे निगेटिव चार्ज होने का मतलब हाईएस्ट बेसिसिटी जोन इन होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री राइट। इसका मतलब हाईएस्ट बेसिसिटी जोन का मतलब है कार्बन पे निगेटिव रहेगा तो दूसरे को देने का टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा मैक्सिमम, और किसी को कोई चीज़ देने का टेंडेंसी आपको बहुत ज़्यादा हाई है मतलब उस चीज़ के साथ आप कंफर्टेबल नहीं हो, स्टेबल नहीं है, करेक्ट ना। तो एक्चुअली इसमें यहाँ देखिए मैंने क्या किया, पहले एग्जाम्पल लिया आपको थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग मोड़ दिए कि आप एरोमेटिक एरोमेटिसिटी की तरफ सोचना स्टार्ट करें, होना भी यही चाहिए था, बट यहाँ पे आंसर है ए लेस देन बी। मतलब यहाँ पे सर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बात है जो कि हम लोग को कार्बन आयन के लिए याद रखना पड़ेगा। तो कार्बन आयन के लिए मोस्ट स्टेबलाइजिंग फैक्टर, पर लिखिए एग्जांपल लिखिए, कार्बन आयन के लिए मोस्ट स्टेबलाइजिंग फैक्टर होता है -m इफेक्ट ऑफ हेट्रोएटॉमिक डबल बॉन्ड, -m इफेक्ट ऑफ हेट्रोएटॉमिक, इतना बड़ा एक फैक्टर है कि एरोमेटिसिटी के फैक्टर पे भी डोमिनेट कर गया है राइट। कितना बड़ा फैक्टर है समझ सकते हैं, मतलब एरोमेटिसिटी में रेजोनेंस मैक्सिमम होता है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का मैक्सिमम स्टेबलाइज होना चाहिए था, बट उससे भी ज़्यादा स्टेबलाइज कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है ना, याद रहेगा। देखिए फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, नोट करके इसको बॉक्स में कर लीजिएगा इस स्टेटमेंट को, फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन मोस्ट स्टेबलाइजिंग फैक्टर, फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन मोस्ट स्टेबलाइजिंग फैक्टर इज -m इफेक्ट ऑफ हेट्रोएटॉमिक डबल बॉन्ड, -m इफेक्ट ऑफ हेट्रोएटॉमिक डबल बॉन्ड राइट। और ये एग्जाम्पल उस बात का कॉन्फिडेंस देखने के लिए काफी है कि इतना बड़ा फैक्टर है जो किस पे डोमिनेट कर गया है, एरोमेटिसिटी के फैक्टर पे भी डोमिनेट कर गया, अदरवाइज एरोमेटिसिटी में कोई भी चार्ज पार्टिकल की वजह से अगर एरोमेटिसिटी क्रिएट होता है तो वो चार्ज पार्टिकल उस टाइम पे रेजोनेंस में मैक्सिमम अपना पार्टिसिपेट करता है, उससे भी ज़्यादा स्टेबिलिटी हो रहा है, एग्री। अब यहाँ देखेंगे स्टूडेंट,
ए बी सी डी ई स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन तो आपको नहीं था कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन पूछने का मतलब सॉरी डायरेक्टली वो ये बोलिए कि माइनस एम का ऑर्डर पूछ रहे हैं राइट तो माइनस एम का ऑर्डर जिनको पता रहेगा वो इसका आंसर बता पाएंगे जो मेजोमेरिक इफेक्ट के टाइम पे ये बात तो भाई ये टॉपिक दो दो बार पढ़ाया हूँ प्लस एम माइनस एम का दूसरा नाम एक्सेप्टर और डोनर था रेजोनेंस से ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिए थे तो जिसको मैंने सर्किल किया उसका माइनस एम का ऑर्डर रफ में वर्कआउट कीजिए और जो माइनस एम का ऑर्डर रहेगा उसी के अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन का ऑर्डर हो जाएगा सी सी के बाद ए ए के बाद ई और किसी का कुछ ऑर्डर ए के बाद ये मेरा ऑर्डर है दिस इज द करेक्ट ऑर्डर वाई यहां देखिए सबसे ज्यादा तो इसका रहेगा ही इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है अब यहां देखेंगे इन दोनों में किसका माइनस एम ज्यादा और क्यों किसका होगा फिर भी इसका सब ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट में प्लीज डू द रिवीजन एंड वेरी फास्ट नोट्स बना लिए हैं सबका तो डैम से वहाँ पे समझाया होगा इन दोनों में अनकॉमन फैक्टर क्या है एच और सी एच थ्री एच एंड एच का तो हम लोग ना ही प्लस आई लेते हैं ना ही माइनस आई बट मिथाइल का तो प्लस आई लेंगे तो यहाँ पे ड्यू टू हेटरोटॉमिक डबल बॉन्ड इस पर निगेटिव है इस पर पॉजिटिव करेक्टर तो इस पर डेल वन प्लस और इस पर डेल टू प्लस ऐसे ही तो समझाया होगा तो इसके प्लस आई की वजह से यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव करेक्टर कम रहेगा तो इस पर पॉजिटिव करेक्टर कम रहेगा तो बाहर से पुलिंग पावर कम हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव करेक्टर ज़्यादा तो बाहर से पुलिंग पावर बिल्कुल डिटो यही बताया होगा और कुछ भी नहीं बताया होगा एग्री दैट्स वाई डेल वन प्लस शुड बी गेटन व्हाट डेल टू प्लस बताया था ना मेन गेट पे देखना है जहाँ से इलेक्ट्रॉन का एंट्री होगा माइनस एम वाला मेन गेट राइट तो कार्बन पे फोकस कर लेना है तो इसका माइनस एम का ऑर्डर ये रहेगा नेक्स्ट यहाँ देखेंगे भाई इसमें और इसमें किसका माइनस एम ज़्यादा इसका माइनस एम ज़्यादा रिंग के इस ग्रुप के अंदर ही रेजोनेंस हो रहा है तो बाहर से रेजोनेंस करने की कैपेसिटी थोड़ा कम हो जाएगा बट यहाँ पे ग्रुप के अंदर रेजोनेंस हो रहा है ग्रुप के अंदर रेजोनेंस नहीं हो रहा है करेक्ट दैट्स वाई इसका पुलिंग पावर क्या रहेगा ज़्यादा रहेगा इन दोनों में कैसे कंपेयर करेंगे यहाँ देखिए दोनों में अनकॉमन क्या है एक में OR है एक में NH2 है एक में OR है दूसरा में क्या है NH2
तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में किसका प्लस एम ज़्यादा होता है? नाइट्रोजन का। तो इस तरफ से रेजोनेंस ज़्यादा होगा तो इस तरफ से रेजोनेंस कम होगा, करेक्ट। और इस तरफ से रेजोनेंस कम होगा तो इस तरफ से रेजोनेंस, और माइनस एम देखने के लिए बाहर वाला एरो देखेंगे, बाहर से पुलिंग पावर या अंदर में रेजोनेंस, बाहर से। इस तरीके से किसका ज़्यादा होगा? एस्टर का ज़्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू एमाइड, राइट। एस्टर और एमाइड में किसका माइनस एम ज़्यादा? एस्टर का ज़्यादा रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? एमाइड, करेक्ट ना। बट ये सारा फैक्टर तो ऑलरेडी हम लोग ले रहे होंगे जब सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट में ऑर्डर निकाल रहे होंगे, राइट। बिना ये सब एग्जांपल का तो मैं आगे बढ़ा ही नहीं होगा। तो अब जो मेरे ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, सबसे ज़्यादा इसका माइनस एम, उसके बाद किसका? इसका, उसके बाद इसका, और इन दोनों में किसका रहेगा? डी का। और सबसे कम किसका रहेगा? ई का। और जिसका माइनस एम ज़्यादा उसका उसके क्रॉसपॉन्डिंग कार्बन आयन का स्टेबिलिटी ज़्यादा। दिस इज द एक्सप्लेनेशन, ठीक है, लिख लीजिए। समझ में आ गया? इसको हटाया जाए? ऑनलाइन स्टूडेंट सबको समझ में आ गया मेरे बातें? मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बानायन या इवन फ्री रेडिकल, किसी का भी अगर इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी देख रहे हैं, किसका? इंटरमीडिएट का। तो इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी देखेंगे कैसे? विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। और सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट का ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो ये तो बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। और इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी अगर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो रिएक्शन का रिएक्टिविटी का ऑर्डर आप निकाल पाएंगे या हर जगह पर प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा? तो अगर फिर से लग रहा है कि प्रॉब्लम है, कहीं पे थोड़ा थोड़ा क्लाउडी है, डू द रिविजन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट, क्योंकि आपका वो आपका लास्ट क्लास तक पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। इन तीनों में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन का ऑर्डर क्या रहेगा? अभी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, नहीं कॉमन फैक्टर से हो गया, इसको लेकर सोचेंगे नहीं, राइट। दिस कार्बन, वेरी गुड, दिस कार्बन स्टेबलाइज बाय टू माइनस एम, माइनस एम, माइनस एम, माइनस एम, माइनस एम, माइनस एम, माइनस एम। इस तरफ अनकॉमन फैक्टर था, सबसे ज़्यादा माइनस एम किसका? अब इन तीनों को आप माइनस एम का ऑर्डर देख लेंगे, वही मेरा आंसर दे देगा। सबसे ज़्यादा माइनस एम किसका? इसका, उसके बाद इसका, और सबसे कम किसका रहेगा? इसका रहेगा, करेक्ट है ना। तो क्या हो जाएगा? ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। मतलब देखिए, एक लाइन का कहने का मतलब ये हो गया कि जो भी चीज़ का ऑर्गेनिक में आंसर दे रहे हैं बहुत लॉजिकल है, कुछ ना कुछ उसके पीछे रीजन है, और रीजन मतलब पीछे के क्लास से कैरी ऑन हो रहा है, तो उसको आपको देखते रहना पड़ेगा। तो क्वेश्चन बना रहे, देखिए मेरा कैसे रिवीजन होता है, क्वेश्चन बना रहे हैं, क्वेश्चन बनाते टाइम ही थ्योरी का रिवीजन दिमाग में चल रहा है। हम लोग सोचते हैं कि बस सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट पढ़ेंगे तो उस टाइम पर रिवीजन करेंगे, ऐसा नहीं होता है। एक बार पढ़ लिए, अब बार बार जब टीचर बोल रहे हैं ना तो बातें माइंड में घूमना चाहिए, अच्छा यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट में ऐसा पढ़े थे, उसके थ्रू ही आपका रिवीजन होता चला जाएगा अगर आप क्लास के सीक्वेंस या क्लास के फ्लो में साथ में चल रहे हैं तो।
एवीसी में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन क्या होगा और क्यों होगा, दोनों बात। बोलिए साइलेंट है। सी ग्रेटर बजा माइनस आई, माइनस आई यहाँ पे किसका, क्लोरीन का। तो जिसका स्टेबिलिटी देखना है माइनस आई इलेक्ट्रॉन भी ड्रॉइंग पावर, तो हम लोग कार्बन आयन के रिस्पेक्ट लिखेंगे, राइट। तो आपको नहीं था कि इसमें बहुत ज़्यादा क्लोज आ गया क्लोरीन, तो माइनस आई ज़्यादा, इसके लिए इस कार्बन आयन के लिए यहाँ पे माइनस आई ज़्यादा ऑपरेट होगा, इसके लिए थोड़ा कम होगा, इसके लिए सबसे कम होगा, क्लोरीन को दूर करता चला गया। माइनस आई का यहाँ पे सोर्स कौन है, विच वन इज द सोर्स ऑफ माइनस आई, अल्काइल शो करता है प्लस आई, हेलो अल्काइल क्या शो करता है, माइनस आई, अल्काइल क्या शो करता है, प्योर अल्काइल प्लस आई, और अगर यहाँ पे इसमें एक्स जुड़ा हुआ है तो हो गया हेलो अल्काइल, ये क्या शो करेगा, माइनस आई। तो यहाँ पे किसके वजह से इसका माइनस आई हो गया, हेलोजन। तो फेसिंग जो मेन गेट है जहाँ से आप माइनस आई इसका सोच रहे हैं, राइट। तो इसका कार्बन आयन के लिए यहाँ पे इसका ये इस पूरे का माइनस आई देख रहे होंगे, इसका मतलब यहाँ से पुल कर रहे हैं माइनस आई के थ्रू, तो क्लोरीन जितना क्लोज आएगा कार्बन आयन का, माइनस आई उतना ही इफेक्टिव रहेगा, करेक्ट है ना। तो यहाँ पे आंसर जो आपने दिया वो कौन सा इफेक्ट, सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आई, राइट। अब देखिए इस पे कम से कम तो मिनिमम कार्बोकटायन, कार्बन आयन और फ्री रेडिकल, इन तीनों को मिला दिया जाए तो कम से कम 100 क्वेश्चन होगा डिकेसिन में। जब हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे एक लाइन से डिकेसिन का, दो बैच हो गया और एक ए हो गया, दो तीन स्टूडेंट ड्रॉपर बैच का। इस बार मैं एकदम बिल्कुल प्लानिंग करके रखा हूँ, डिकेसिन एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, और जब प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे तो कंप्लीट ऑफलाइन, उससे बच्चों को ज़्यादा फायदा हो जाएगा। तो वहाँ पे देखिएगा, सब कुछ पढ़े रहिएगा ना, तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने में ज़्यादा मज़ा आएगा, और तब जाकर, लेकिन उससे पहले मैं जेई का क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लूँगा। पहले जेई आईआईटी का क्वेश्चन बैंक, एक ऐप है ना जहाँ पे सारा क्वेश्चन सिस्टमेटिक है, तो पहले उसका क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो जेई मेन का तैयारी हो गया, आपको कॉन्फिडेंस आ गया, जेई मेन का 95% क्वेश्चन आपसे ही बनना स्टार्ट हो गया, और ऑब्वियसली बनेगा। जीओसी इतना जो पढ़ा रहे हैं वो तो दो क्लास में ख़त्म हो जाएगा, ओनली टू क्लास, इन लोगों को तो सॉल्व किए हैं, दो से तीन क्लास, दो क्लास भी नहीं रहेगा, जितना 40 ईयर्स में पूछा गया है, तो दो से तीन क्लास में जीओसी पूरा ख़त्म, मतलब टिल आइसोमेरिज्म तक। उसके बाद चैप्टर वाइज उसमें जो पूछा हुआ है, तो ओनली वन ऑप्शन, मोर देन वन ऑप्शन अभी देखते हुए निकल जाएंगे जनवरी के जेई मेन के लिए, फिर डिकेसिन पूरा सॉल्व कर लेंगे, ऑर्गेनिक पे टाइम नहीं लगता है। इन चारों में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन का ऑर्डर क्या होगा, क्या
इन चारों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? दो प्रॉब्लम आपके सामने है, बिल्कुल कोरिलेशन हो जाएगा कार्बोकैटायन का कार्बन आयन का, इसको ऑलरेडी डिराइव कर चुके होंगे। तो रिंग में जब पॉजिटिव चार्ज था तो यहाँ पे मैं देखा था रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन एंगुलर स्ट्रेन, राइट। रिएजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन से रिंग एक्सपेंड भी करता है कॉन्ट्रैक्ट भी करता है। वहाँ पे ड्राइविंग फोर्स क्या था, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर था या एंगुलर स्ट्रेन? एंगुलर स्ट्रेन। तो उसके बेसिस पे यहाँ पे एंगुलर स्ट्रेन के बेसिस पे सबसे कम स्ट्रेन किस में रहेगा, राइट। और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर पहले एंगुलर स्ट्रेन के वजह से देख लेते हैं, तो डी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ऑन द बेसिस ऑफ एंगुलर स्ट्रेन बी ग्रेटर ए एंगुलर स्ट्रेन। तो यहाँ पर दोबारा बताने का रिक्वायरमेंट नहीं, आप लोग समझ पा रहे हैं। और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर अगर देखेंगे तो सर यहाँ पे चांस की बात है कि देखना तो एंगुलर स्ट्रेन ही था, बट इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के अकॉर्डिंग भी सेम ही ऑर्डर रहेगा। वजह, दिस कार्बोकैटायन स्टेबलाइज बाई फोर हाइपर कंजुगल, बट इसके अलावा भी CH2 यूनिट, राइट। एक्स्ट्रा तीन CH2 यूनिट है, तो CH2 यूनिट का क्या देखेंगे, प्लस आई। यहाँ पे कितना, इन दोनों को छोड़ देते हो दो CH2 यूनिट, इन दोनों को हाइपर कंजुगल का पॉइंट ऑफ व्यू से सब में कॉमन क्या है, चार हाइपर कंजुगेबल। तो इसका हाइपर कंजुगेबल। उसके अलावा इसमें एक प्लस आई के लिए एक्स्ट्रा, इसमें दो तीन प्लस आई के लिए, इसमें दो प्लस आई, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से भी अगर सोचते हैं तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन नजर आना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में अनकॉमन फैक्टर क्या है अपार्ट फ्रॉम हाइपर कंजुगेशन? एक्स्ट्रा CH2 का प्रेजेंट रहना, जो कि प्लस आई शो करेगा, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग भी तो किसका ऑर्डर रहेगा, डी सी बी ए। तो चांस की बात है कि यहाँ पे एंगुलर स्ट्रेन और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर सेम ऑर्डर में आ गया, बट फिर भी यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स क्या था, एंगल स्ट्रेन। तो अगर वह उस कार्बोकैटायन पे इस रिंग में 3 मेंबर 4 मेंबर 5 मेंबर 6 मेंबर, राइट, और रिंग का एक्सपेंशन और रिंग का कॉन्ट्रैक्शन रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन पढ़ाए हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बन आयन का अभी तक ऑर्डर नाम लिए हैं। रीअरेंजमेंट सिर्फ किस में होता है, कार्बोकैटायन में होता है, किस में होता है, और उसमें भी अल्काइलियम, नॉट अल्किनाइलियम, अल्काइनाइलियम या एसाइलियम में, वहाँ पर सब कुछ लिखवा चुका हूँ, दोबारा नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर सोचते तो ऑर्डर क्या होना चाहिए था, एंगुलर स्ट्रेन के अकॉर्डिंग अगर सोचते तो ऑर्डर होते हैं डी सी बी ए, बट ये ऑर्डर नहीं है। इसका मतलब है कि कार्बन आयन के केस में इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर डोमिनेट ओवर एंगुलर स्ट्रेन, कार्बोकैटायन के केस में एंगुलर स्ट्रेन डोमिनेट ओवर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, किस में, रिंग के केस में, राइट। यहाँ पे कौन सा फैक्टर को ज़्यादा हम लोग इंपॉर्टेंस दे रहे थे, एवरीवन, एंगुलर स्ट्रेन को, राइट। तो यहाँ पे आप नोट करके एक लाइन लिख लीजिए, इन केस ऑफ कार्बोकैटायन इन रिंग, इन केस ऑफ कार्बोकैटायन इन रिंग एंगुलर स्ट्रेन डोमिनेट ओवर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। एंगुलर स्ट्रेन डोमिनेट ओवर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, यहां पर लिखे, यहां पर, इन केस ऑफ कार्बन आयन ऑन रिंग इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर डोमिनेट ओवर एंगुलर स्ट्रेन। तो अब यहां पे किसके अकॉर्डिंग आंसर देना है, एंगुलर स्ट्रेन के वाइज या इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर? तो बोलिए, यहां पे इस कार्बन आयन के लिए CH2 और CH2 यूनिट का क्या लेंगे, प्लस आई, CH2 का क्या लेंगे, इसको छोड़ देंगे तो अल्काइल हो गया ना, क्या हो गया, अल्काइल, तो इसका प्लस आई। यहाँ पे कितना CH2 यूनिट, तीन, तो 3 CH2 का प्लस आई, इसका कितना, चार, 4 CH2 यूनिट का प्लस आई, इसका कितना, 1 2 3 4 5 CH2 यूनिट का प्लस आई। तो सबसे ज़्यादा प्लस आई कहाँ पे ऑपरेट होगा,
तो प्लस आई ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन कम, समझ गए? तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा? डी सी बी ए। ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? क्लियर हो गया सामना? मतलब लॉजिकल है लेकिन कुछ कुछ बात तो आपको याद रखना पड़ेगा। लॉजिकल है, सब कुछ सही है, बट आपको कुछ चीज़ें याद भी रटना भी पड़ेगा कि कहाँ पे क्या सोचना है। जैसे प्लस एम मेजोमेरिक इफेक्ट को हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, बट कहीं कहीं पे हाइपर कंजुगल तो डोमिनेट करता है। 3 डिग्री में राइट, 3 डिग्री कार्बोक्टाइन में 9 हाइपर कंजुगल, तो कार्बोक्टाइन केस में 9 हाइपर कंजुगल फिनाइल के प्लस एम पे ज़्यादा डोमिनेट कर रहा था, तो वो चीज़ आपको रटना पड़ेगा। नहीं रटेंगे तो एग्जामिनर वहाँ से ही क्वेश्चन उठा लेगा। राइट, हो गया ना? अब सब लोग हेडिंग बनाएंगे। फ्री रेडिकल, लिखिए पहला पॉइंट। ओके एवरीवन, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन? 4। तो कार्बन अगर 3 बॉन्ड बनाता है तो कितना इलेक्ट्रॉन खर्च करना पड़ेगा? 3। तो इफ एनी, लिख लीजिए, इफ एनी कार्बन मेकिंग 3 बॉन्ड, इफ एनी कार्बन मेकिंग 3 बॉन्ड एंड 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन कार्बन, एक मिनट, जो 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा उसको क्या बोलेगा? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, क्या बोलेंगे? And 1 electron present on carbon, then it is called free radical. Then it is called what? Free radical. अच्छा, और कार्बन 2 बॉन्ड बनाता और 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता तब क्या बोलते हैं? यस, पढ़ चुके हैं, क्या बोलते हैं? कार्बिन, पढ़ा चुका, ठीक है, फॉलो करना पड़ेगा। नहीं, कब तक कवर कर लीजिएगा? दुर्गा पूजा तक, अक्टूबर तक, जितना जल्दी हो सके प्लीज़ कवर कर लीजिए। मतलब रिएक्शन का क्लास करते रहिए और पीछे से आप मेकअप करते रहिए। नहीं मेकअप कीजिएगा तो आगे चलकर दिसंबर जनवरी में बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। और बाई हुक एंड बाई क्रूक किसी भी तरीके से ऑर्गेनिक को कवर कर लिए, कॉन्फिडेंस में आ जाइएगा। देखिए, एक सब्जेक्ट का कॉन्फिडेंस से दूसरा सब्जेक्ट अच्छा होता है, ऐसे चलता है। केमिस्ट्री में मेरा ऑर्गेनिक का कॉन्फिडेंस से फिजिकल केमिस्ट्री अच्छा हो गया, और ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री जब अच्छा हो गया तो फिजिकल ऑर्गेनिक अच्छा कर लिया, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, रेडॉक्स, ऑल दिस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये तीनों अच्छा हो गया तो उस कॉन्फिडेंस में प्योर इनऑर्गेनिक रट गया। चाहत बढ़ते गया ना कि अच्छा 85% अब केमिस्ट्री मेरा कमांड में आ गया, तो 15% रट्टा मारना है, इसको रट जाएंगे। तो ऐसे धीरे धीरे करके ड्रॉप बाई ड्रॉप कॉन्सेप्ट बढ़ता है, अचानक से सब कुछ अच्छा नहीं होता है। राइट, यहाँ देखिए, यहाँ पे कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है? 3। यहाँ पे कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है? 3 बनाया है, 2 डबल बॉन्ड और 1 सिंगल बॉन्ड, टोटल 3 बॉन्ड। मैंने बोला क्या कि वो ऑल आर सिंगल? मैंने सिर्फ क्या बोला, इफ एनी कार्बन मेकिंग हाउ मेनी बॉन्ड? 3 बॉन्ड, वो सिग्मा भी हो सकता है और पाई भी हो सकता है। 3 बॉन्ड बनाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन उस पर प्रेजेंट रहेगा। राइट, यहाँ पे कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है? 3। राइट, यहाँ पे कार्बन कितना बनाया है? 2 1 3 2 1 3। ये तो पिछले क्लास में डील किया था ना कि बेंजीन के रिंग पे पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो या फ्री रेडिकल हो, हर केस में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहता है? sp2 sp2 and sp2। राइट, अरे बताए भी थे कि देखिए 2018 के एडवांस में आज पूछा हुआ था इस कार्बन का हाइड्रोजन
लुक्स लाइक एस पी अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेशन नंबर और लोन पेयर के कॉन्सेप्ट से, बट इसका होता क्या है एस पी टू कॉन्स्टेंट कंडीशन यहाँ पे था, एस पी टू ही होना पड़ेगा। अब पॉजिटिव चार्ज किसमें परसेंट रहेगा, जनरली पॉजिटिव चार्ज रहता है प्योर में, ए वैकेंट और वाइटल कौन सा रहता है प्योर पी, बट यहाँ पे कौन सा रहेगा एस पी टू, मजबूरी है ठीक है। इसका मतलब सर डायरेक्टली ऐसे लिख दीजिए, रेडिकल आर रेडिकल और पी एच रेडिकल, ऑल दी आर द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट फ्री रेडिकल, करेक्ट। इसी को लेकर चलते हैं, बोलिए इस कार्बन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, थ्री, लोन पेयर कितना होगा भाई जीरो, तो स्टेरिक नंबर कितना रहेगा, जनरली तो यही सोचते हैं थ्री, देन हाइड्रोजन क्या होना चाहिए एस पी टू, यहाँ तक डू इट फर्स्ट। तो इस केस में फ्री रेडिकल कौन सा और वाइटल में रहेगा, प्योर पी में, जनरली प्योर पी में ही रहता है, वो पिछले क्लास में बेंजीन का एक्सेप्शनल केस था जिसमें एस पी टू में था राइट, अदरवाइज फ्री रेडिकल शुड बी प्रेजेंट इन विच और वाइटल प्योर पी, ये प्योर पी में कौन सा पी जेड, सर किसी में भी हो सकता है मुझे थोड़े पता है, इट कैन बी पी एक्स पी वाई और पी जेड ठीक है। एस पी टू में आपको पता है कौन सा पी का दो गया है, एस पी टू हाइड्रोजन होने का कितना तरीका, तीन तरीका, ये तो बहुत पहले का स्टोरी है ना, मतलब तो आप लोग लगता है थोड़ा थोड़ा भूलते जा रहे हैं सर, एक बोर्ड का प्रेशर है राइट, बट कैसे भूल सकते हैं भाई, इन तीनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है राइट, और कितना मिलेगा थ्री एस पी टू राइट, अरे रहेगा तो प्योर रहेगा पी जेड, ए रहेगा तो प्योर रहेगा कौन सा पी एक्स, अरे रहेगा तो प्योर रहेगा पी वाई, करेक्ट है ना। ये सब कहाँ पढ़े थे सर, ये सब पढ़े थे हम लोग अप्रैल और मई में, ये चैप्टर का नाम क्या था हाइब्रिडाइजेशन। स्टेबिलिटी आप लोगों को थोड़ा बहुत लुईस डॉट स्ट्रक्चर एनालाइज करने आता है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर जनरली हम लोग एटॉमिक नंबर 10 के बराबर उससे कम में ज़्यादा सोचते हैं राइट, लुईस डॉट स्ट्रक्चर लुईस का ऑक्टेट रूल किस पे बेस्ड था, फुलफिल ऑफ ऑक्टेट इनर्ट गैस के थ्योरी पे, ये दूसरी बात है कि बाद में जाके बहुत सारा कंपाउंड फेल कर गया, तो इस कार्बन के चारों तरफ कितना इलेक्ट्रॉन, ये भी नीट का एक ऑब्जेक्टिव है था इस साल का, पता है कि नहीं भाई, इसमें था बी एफ थ्री में बोरोन के चारों तरफ कितना इलेक्ट्रॉन राइट, इससे आसान क्वेश्चन क्या दिया जाएगा, ये तो ऐसे हो जाएगा फ्री में मार्क्स ले लो राइट, बी एफ थ्री में बोरोन के चारों तरफ, बोरोन के पास कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तीन ही तो है, क्या चारों तरफ काउंट नहीं करेंगे, तीन है तीन बॉन्ड बना लेगा तो छः हो जाएगा राइट। तो बोलिए कितना इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन अराउंड कार्बन इन कौन सा ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट इक्वल टू व्हाट सेवन। तो जनरली एक मिसकॉन्सेप्शन आपके दिमाग में चल सकता था, जैसे आपसे पूछते सी एच थ्री रेडिकल
एक इलेक्ट्रॉन है, तो सी एस थ्री रेडिकल को इलेक्ट्रॉन रिच में काउंट किया जाए, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट? सर ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉन इसके पास अवेलेबल है, बट खुद इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, वन इलेक्ट्रॉन लेस देन ऑक्टेट। इसका तो फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। और जनरली इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट पार्टिकल को हम बोल सकते हैं क्या, बोलिए, इलेक्ट्रोफिल। इन द ब्लैंक का क्वेश्चन नहीं बनाए हैं, इलेक्ट्रोफाइल और लुईस एसिड, इलेक्ट्रोफाइल और लुईस एसिड लिखे नीचे नोट करके। इन केस ऑफ फ्री रेडिकल कार्बन इज वन इलेक्ट्रॉन लेस देन ऑक्टेट। हेंस फ्री रेडिकल आर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। हेंस फ्री रेडिकल्स आर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। दैट्स वाई फ्री रेडिकल ट्रीटेड एज दैट्स वाई फ्री रेडिकल्स आर ट्रीटेड एज इलेक्ट्रोफाइल और लुईस एसिड। That's why free radical are treated as इसको कैसा ट्रीट कर सकते हैं स्टूडेंट, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, इलेक्ट्रोफाइल के जैसा भी, राइट? और कैसा, लुईस एसिड। तो आप देखे होंगे कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस में एक रिएक्शन लिया था, कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस, पिछले क्लास में रिएक्शन एक क्लास में लिए थे, राइट? जिसमें हम लोग एक ऐसा एग्जांपल लिया था ना, CH3 CH double bond CH CH3, राइट, एंड CH3 C double bond, समथिंग लाइक दिस, शायद आप लोग को याद आ रहा होगा। और क्या कर रहे थे कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस, यहाँ पे RR कपलिंग किए थे या R रेडिकल को यहाँ पे अटैक किए थे, R रेडिकल को यहाँ पे अटैक किए थे, हाँ या ना? इसका मतलब आर रेडिकल यहाँ पे अल्किन था और अल्किन को क्या चाहिए था, इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पे बन क्या रहा था, आर रेडिकल। वहाँ पे पॉसिबिलिटी देखे थे कि आर आर कपलिंग होगा या इसके साथ कोलाइड करेगा, तो कोलिजन थ्योरी से किसके साथ कोलाइड करेगा, करेक्ट। इसका मतलब है कि आर रेडिकल को आज के बाद आप इलेक्ट्रोफाइल या लुईस एसिड बोल सकते हैं। ऐसा देखने से लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन रिच है, बट एक्चुअली वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट पार्टिकल को स्टेबलाइज करने के लिए क्या चाहिए, फ्री रेडिकल स्टेबलाइज बाय डोनर एंड डी स्टेबलाइज बाय एक्सेप्टर। लिखिए नोट करके, स्टेबिलिटी, ऐसे हेडिंग बनाइएगा, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल में लिखिएगा, फ्री रेडिकल एनी डोनर, ऐसे लिखिएगा, एनी डोनर ग्रुप इंक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। एनी डोनर ग्रुप increases stability of free radical. एक मिनट रुकेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डोनर, तो सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट में डोनर के नाम पे कौन कौन सा भाई, प्लस आई प्लस एम, डोनर के नाम पे तीन ही ना, इसका मतलब एक तीन टाइप का इफेक्ट शो करने वाला फ्री रेडिकल क्या कहेगा, डी स्टेबलाइज, स्टेबलाइज लिख लीजिएगा, प्लस आई प्लस एम एंड हाइपर कंजुगेशन ग्रुप्स इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। लिखिए प्लस आई प्लस एम एंड हाइपर कंजुगेशन बाय प्लस आई प्लस एम एंड हाइपर कंजुगेशन वी कैन इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सेप्टर के नाम पे दो ही ना, कौन कौन सा, माइनस आई और, तो माइनस आई और माइनस एम लिखिए, माइनस आई डिक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, माइनस आई
अनयूजुअल क्या लग रहा है सर? आप माइनस में नहीं बोले क्या? मैं बोल रहा था एक्सेप्टर के नाम पे दो ना, माइनस आ रहा है, बट मैं यहाँ पे जब लिखवा रहा हूँ तो सिर्फ माइनस, ऐसा नहीं कि मैं भूल गया। इसका मतलब है कि माइनस एम को यहाँ पे नहीं लेंगे। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, माइनस एम यहाँ पे फ्रेड को स्टेबलाइज करता है, डी स्टेबलाइज नहीं करता है। तो सर कैसे होगा? ये क्वेश्चन आ गया ना कि एक्सेप्टर तो डिक्रीज करेगा, तो अभी लिख लीजिए आप लोग, माइनस आई डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। और अगर माइनस एम लिख भी देते हैं तो उसको क्रॉस कर दीजिए, काट दीजिए, माइनस एम इसको डिक्रीज नहीं करता है। इसका मतलब इस माइनस एम को किस कहाँ पर रख दिया जाए? इसके साथ रख दिया जाएगा, बट नहीं रखेंगे क्योंकि डोनर नाम दिए हुए हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। यहाँ देखेंगे पिछले क्लास में एक रिएक्शन पढ़ा रहा था, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन, याद है आप लोगों को? वहाँ पे रिएक्टिविटी के टाइम पे हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल देख रहे थे, राइट? एक कितना डिग्री आर रेडिकल, एक कितना डिग्री आर रेडिकल, एक कितना डिग्री, इसको एक्सेप्शनली वन डिग्री बोलिए, ऐसे मैं इसको सी एस सी रेडिकल ही बोलते रहता हूँ, एक्सेप्शनली वन डिग्री। ठीक है, इन चारों में इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी देते हैं, इस आप लोग समझ पाएंगे ना, इसका नाम सी देते हैं। इन चारों में स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल का ऑर्डर क्या होगा और क्यों होगा? चलिए मेरे साथ बोलिए, हाइपर कंजुगेशन कौन करता है, कौन किसके किसके साथ करता है? हाइपर कंजुगेशन करता है, बोलिए, कुछ तो बोलना पड़ेगा भाई, ऑनलाइन के स्टूडेंट भी बोल सकते हैं। हाइपर कंजुगेशन ऐसे ही तो रिवीजन होगा, हाइपर कंजुगेशन में कौन पार्टिसिपेट करता है? हाइपर कंजुगेशन में किसका ओवरलैपिंग होता है? सिग्मा और पाई और वाइटल, राइट, सिग्मा एंड प्योर पी। तो हाइपर कंजुगेशन करता है sp3 कार्बन का सी एच सिग्मा, बोले तो sp, आप लोग इस बात से तो नहीं डर रहे ना कि रिकॉर्ड हो जाएगा? कोई बात नहीं है, sp3 कार्बन का CH सिग्मा, और किसके साथ करता है? अल्कीन के साथ, अल्काइन के साथ, मतलब होमोटोमिक पाई बॉन्ड, राइट, और पॉजिटिव चार्ज कार्बोक्टाइन के साथ और फ्री रेडिकल, चार के साथ ही करता है। हेटरोटोमिक पाई बॉन्ड बोला नहीं? बोला ना, चार के साथ ही, कौन कौन सा? अल्कीन, अल्काइन, कार्बोक्टाइन और फ्री रेडिकल। और हाइपर कंजुगेशन के टाइम पे डैम्स और इसका नो बॉन्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पूछ रहा होगा, तो दिस फ्री रेडिकल आर स्टेबलाइज बाई हाउ मेनी हाइपर कंजुगेबल? 9। दिस फ्री रेडिकल स्टेबलाइज बाई 6, एंड दिस फ्री रेडिकल स्टेबलाइज बाई 3, एंड दिस फ्री रेडिकल स्टेबलाइज बाई 3, 0। दैट्स वाई स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल का ऑर्डर क्या हो जाएगा? सी तो ये रहेगा ना, क्या हो जाएगा एवरीवन? DCBA। माइंड में क्या चल रहा है, इसका रीजन क्या था? यस, ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। इसका मतलब आज के बाद ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, 3 डिग्री रेडिकल ग्रेटर देन 2 डिग्री रेडिकल ग्रेटर देन 1 डिग्री रेडिकल और ग्रेटर देन स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। व्हाट द रीजन बिहाइंड इट? हाइपर कंजुगेशन। देखिए, कल एक मेरे पास कॉल आया था ऑलमोस्ट 10:45 में,
स्टूडेंट को मैं पढ़ाया हूँ, कितना अभी थर्ड ईयर में होंगे तो 2017 मोटा मोटी, दिव्यांजना साउथ पॉइंट का 95% उनका बोर्ड में मार्क्स था। बहुत ही स्मार्ट, मतलब एक होता है ना किसी से बात करके एकदम उसका बॉडी लैंग्वेज बोलने, दो तीन ऐसा स्टूडेंट को मैं पढ़ाया हूँ 10 साल में कि उसको बात करने का, तो मैं बहुत स्मार्ट बात नहीं करता हूँ, एक होता है ना जेन्युइन जो आदमी बात करता है वैसा मेरा लैंग्वेज है। एक का किसी किसी का बात करने बहुत रिफाइंड रहता है, सुनिए तो अच्छा लगेगा, अच्छा है बहुत स्टाइलिश तरीके से बात करता है, राइट, मतलब थोड़ा अलग कैटेगरी का, हिंदी भी बोलेगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो 2017 बहुत ही हार्ड वर्किंग तो पर एक तरीके से पढ़ने वाला, और इवन बोर्ड का प्रेशर तो सबको रहता है। देखिए ये जो आप फील करते हैं ना, मैं हम लोग हर साल जीते हैं उसके साथ, बोर्ड का प्रेशर जो आपके लिए फर्स्ट टाइम होगा, बट एज ए टीचर मेरे लिए तो हर साल है, इसलिए मैं भी अब यूज्ड टू हो गया हूँ। लेकिन उसके लिए एक साथ में काम करते रहते हैं, बच्चों को बीच में छोड़ते नहीं हैं, ऐसा नहीं कि लास्ट मोमेंट पर आपको छोड़ दिया, टीचर जो पढ़ा रहे हैं बीच मझधार में छोड़ दें, बीच ब्रह्मपुत्र में ले जाकर छोड़ दें तो बहुत ख़राब हो जाएगा। लास्ट मोमेंट तक साथ में रहना चाहते हैं अगर आप मेरा एडवांटेज लेना चाहते हैं तो, मतलब ऐसा नहीं कि बस एडमिशन हो गया जैसे जैसे सिलेबस को कब खत्म कर देंगे, भाई उसमें सेटिस्फेक्शन लेवल मेरा नहीं रहेगा, क्योंकि मैं भी काम कर रहा हूँ तो मैं लॉन्ग वे में काम तभी कर पाऊँगा जब मैं खुद खुश रहूँगा। अगर मैं पढ़ा कर खुश नहीं हूँ तो एक टीचर के लिए पढ़ा कर कब खुश नहीं रहेगा, जब चीज़ों को ख़त्म नहीं कर पा रहा है या उस लेवल का प्रॉब्लम नहीं ले रहा है। अब बिल्कुल बोर्ड लेवल का I=E/R वाला क्वेश्चन लेते रहे हैं, अच्छा लगेगा? थोड़ा तो मज़ा आना चाहिए बोर्ड पे, दिमाग खर्च होना चाहिए तब जाकर अच्छा लगेगा, अदरवाइज पढ़ाते पढ़ाते क्या होंगे, बोर हो जाएंगे। तो उस टाइम पे उनका JEE में निकल गया, CEE भी निकल गया, IIT एडवांस नहीं निकल पाया था, बट NIT सिलचर में मैकेनिकल लिए, राइट, कल प्लेसमेंट हुआ उनका। अब प्लेसमेंट होने के बाद देखिए एकदम क्या होता है बॉन्डिंग टीचर के साथ, मतलब प्लेसमेंट का खुशी है कि ये नहीं है कि हाँ रात है या दिन है। तो दो तीन ऐसा स्टूडेंट, ऐसे तो सबका प्लेसमेंट हो ही रहा है कॉन्टेक्ट किए, और दो दो जगह प्लेसमेंट हुआ, एक बहुत ही कोर कंपनी के मैकेनिकल के प्लेसमेंट हुआ, दूसरा बोल रहे हैं कि सर कल इंटरव्यू है टाटा टेलीकम्युनिकेशन में, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में, और अभी फोर्थ ईयर में गए नहीं हैं, NIT सिलचर में एक साल पहले ही प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाता है, बहुत बढ़िया प्लेसमेंट हो रहा है आज के डेट में वहाँ पे पिछले दो तीन साल से। तो मैटर ये नहीं करता कि आप कहाँ पे हो, मैटर करता है कि आप एक अच्छे कॉलेज, लेकिन NIT IIT तक चाहिए, अगर वहाँ तक पहुँच गए तो भाई जॉब लेना एक रूटीन वर्क होता है, जैसे आप कैसे कैटली से पढ़ रहे हैं रूटीन वर्क है, वैसे ही वहाँ पहुँच जाएगा। तो जॉब के लिए अगर आपने मेंटेन किया CPI 7.5-8 आराम से जॉब लग जाती है, और साथ में वो गेट का भी तैयारी कर रहे हैं, मैं इनको गेट के लिए भी एक कोचिंग बता दिया था जहाँ बहुत अच्छा इंडिया का सबसे बेस्ट है उसका स्टडी मटेरियल, गेट भी पक्का हो जाएगा उनका, और गेट के थ्रू IIT में चले जाएंगे MTech करने के लिए, जॉब भी लग गया। अब जॉब लग गया तो कॉन्फिडेंस आ गया, गेट भी निकल जाएगा, बट मैं उनको बहुत फोर्स कर रहा हूँ कि कैट की तैयारी कीजिए, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन का है, मेरे इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे तो गेट का ही तैयारी करेंगे। तो गेट का तैयारी करके देखिएगा आज से 10 साल होते होते फॉरेन शिफ्ट कर जाएंगे पक्का, एकदम प्लानिंग बना रहता है ना करने वाला का, मैटर नहीं करता है, लेकिन अच्छे एक अच्छा एटलीस्ट NIT तक पहुँचिए तो करियर सिक्योर रहेगा। मतलब करते ही पेरेंट्स का प्रेशर ख़त्म, भाई पेरेंट्स के लिए भी सोचिए कितना होप से पढ़ा रहे हैं, इसलिए अभी फ्रेंड सर्किल वगैरह सबको साइड कर दीजिए, कोई काम नहीं देता है, मेरा कोई फ्रेंड काम दे रहा है या तो मैं काम नहीं दे रहा हूँ, दो ही बात हो सकता है, छूट जाता है ना फ्रेंडशिप। एक कहावत है ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, नज़र से दूर हो गए तो बस भूल गए, तो वो बात हो जाता है। तो पहले सब लोग अपना कैरियर बनाना चाहिए, फ्रेंडशिप होना खराब बात नहीं, वो तो सबसे बढ़िया चीज़ है दुनिया का, ख़राब टाइम में वही लोग आपके पीछे सपोर्ट में रहते हैं, बट उसको स्पॉयल मत कीजिए, थोड़ा स्मार्ट बनिए। 11th 12th में अगर ज़्यादा फ्रेंडशिप इन्वॉल्व हो जाएगा तो करियर स्पॉयल हो जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं है। 10th क्लास तक मेरा भी बहुत ज़बरदस्त फ्रेंडशिप है, और फ्रेंडशिप इतना बढ़िया है, उस फ्रेंडशिप में कौन कहाँ पे है वो लेवल का बात नहीं है। जैसे मेरा एक फ्रेंड है अभी मिलिट्री में 8th क्लास का, क्लास 1 का, गांव का, इधर ही कहीं पोस्टेड नॉर्थ ईस्ट में, तो जब भी आता है इस पर आया तो बोला कि अब उसमें अगर मैं वही दुखूँगा नहीं मैं IIT से हूँ वो मिलिट्री में है एक सिंपल सा जवान, वो मैटर नहीं करता है भाई, मैटर करता वहाँ का गांव का फ्रेंडशिप है, उसको साथ आए वही पुराने दिन आज से 20 साल पहले वाला कहानी बैठ के कर रहे हैं,
तो एक अलग लेवल का है, तो वो तो रहना चाहिए, बट उस अभी के टाइम पे क्या होता है कि थोड़ा आपको छुप कर भी काम करना पड़ेगा, हाइड होकर, जैसे कैसे होता है छिपकली होता है ना, उसको क्या बोलते हैं लिजर्ड, एकदम छुप कर टारगेट पर देखते रहता है, अपना काम कर रहा है, तो वैसे उस तरीके से मतलब उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व। हाँ, पढ़ाई में एक दूसरे को अगर हेल्प करते हैं बेस्ट है, बट गॉसिप में टाइम वेस्ट नहीं होना है, वो कीजिएगा बर्बाद हो जाइएगा, बहुत क्रूशियल टाइम है अगला 6 महीना। तो मेडिकल वाले बच्चे आप कर सकते हो, 6 मंथ भाई टॉप करने के लिए काफ़ी होता है, अच्छा करने के लिए नहीं, रैंक लाने के लिए 6 मंथ काफ़ी होता है। एक बार सब कुछ मोटा मोटी अगर पढ़ा हुआ है और फिर से अगर बैठ कर चैप्टर 1 से भी स्टार्ट कीजिएगा, आराम से हो जाता है। यहाँ बताइए तो एक कितना डिग्री, 2 डिग्री, इन तीनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? मतलब आप ट्रैप में फंस गए जो मैं सोच रहा था, राइट? आपने काउंट कर लिया 10, नहीं नहीं, जब हाइपर कंजन होता रहेगा और इंडक्टिव होता रहेगा तो किसको फेवर करेंगे? पहले हाइपर कंजन देखिए, राइट, इंडक्टिव बाद में देखेंगे, हाइपर और इंडक्टिव में किसको ज़्यादा फेवर करेंगे? हाइपर कंजन। एक क्वेश्चन लेने का मेन वजह मेरा कुछ और रहा होगा, इंडक्टिव, चलिए आपने इंडक्टिव फैक्ट सोच कर भी तो गलत कर लिया, मैं सोच रहा था कि इसमें 10 हाइपर कंजन कहीं काउंट तो नहीं कर रहे हैं, लुक्स लाइक 10 बट हैव 4, राइट? इसमें 2 ही तो रहेगा CH2 वाला पार्ट हाइपर, तो इसमें हाउ मेनी हाइपर कंजुअल, 4, इसमें कितना हाइपर कंजुअल, 4, इसमें कितना, 5, इसमें कितना रहेगा, 6 रहेगा, समझ गए? इस वजह से क्वेश्चन में दे रहा था, तो ऑर्डर क्या रहेगा, इसमें 6 हाइपर कंजुअल, इसमें 5 हाइपर कंजुअल, इसमें 4 हाइपर कंजुअल, तो ऑर्डर क्या रहेगा, ए ग्रेटर बी ग्रेटर सी। यहाँ देखिए ए और बी में दोनों में कितना हाइपर कंजुगेबल, सर दिस फ्री रेडिकल ऑल्सो स्टेबलाइज बाई 3 हाइपर कंजुगेबल एंड दिस कार्बोकटाइन ऑल्सो स्टेबलाइज बाई, ऐसा मैं एग्जांपल लिया होगा जब हाइपर कंजुगेशन पढ़ा रहे होंगे तो, बट कहाँ पे हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होगा, बी में, यहाँ पे एग्जॉस्टिव अमाउंट, यस वेरी गुड, यहाँ पे एग्जॉस्टिव अमाउंट में होगा, वजह सर ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, कार्बोकटाइन में कार्बन के चारों तरफ कितना इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड स्टूडेंट, 6 इलेक्ट्रॉन अराउंड द कार्बन, इसमें कितना है, 7, तो ये ज़्यादा, ये डोनर है, ये डोनर है, बट किसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, दैट्स वाई अमाउंट ऑफ हाइपर कंजुगेशन किस में ज़्यादा होगा, बी ग्रेटर ए, मैं स्टेबिलिटी का बात नहीं कर रहा हूँ, ये करना भी इलॉजिकल बात रहेगा, क्या फ्री रेडिकल को कार्बोकटाइन के साथ कंपेयर करना सही रहेगा, कार्बोकटाइन को कार्बोकटाइन के साथ कंपेयर करते हैं, फ्री रेडिकल को फ्री रेडिकल, एक क्वेश्चन इलॉजिकल रहेगा, मैं जो बी ग्रेटर ए लिखा वो क्या स्टेबिलिटी का कंपेयर किया या अमाउंट ऑफ हाइपर कंजुगेशन, ठीक है, अमाउंट ऑफ हाइपर कंजुगेशन, करेक्ट। ओके एवरीवन, आप लोग को याद है एग्जांपल में लिया होगा कार्बन पढ़ाने के टाइम पे, ए और बी में कौन ज़्यादा स्टेबल, कौन ज़्यादा, एकदम बिल्कुल कॉन्फिडेंस में बोलना है, घबराने की बात नहीं है, ऑब्वियसली बी एक्सेप्शन था, राइट, दिस इज द एक्सेप्शन जहाँ पे हाइपर कंजुगेशन डोमिनेट ओवर मेजोमेरिक इफेक्ट,
और मैं बताया था कि वन फिनाइल के रिस्पेक्ट में 9 हाइपर कंसोनेंट, लेकिन वो बात सिर्फ कार्बोकटायन के लिए था। किसके लिए था? कार्बोकटायन के लिए। तो यहाँ पे बी ग्रेटर देन ए, करेक्ट। बट यहाँ पे मैंने एक लाइन ऐड किया था कि अगर यहाँ पे इसको थोड़ा भी कोई दूसरा हेल्प करने के लिए आएगा तब इसका स्टेबिलिटी इस पर डोमिनेट कर जाएगा। दिस वन इज स्लाइटली लेस स्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू, बहुत ज़्यादा डिफरेंस था या स्लाइटली? स्लाइटली, करेक्ट। बट मुझे थोड़ा सा मन में एक डर था कि शायद उसको स्टूडेंट पढ़ाने के बाद एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं ना चीज़ों को, तो मुझे डर था कि कहीं पे यहाँ से चीज़ों को कोरिलेट करके शायद यहाँ पे आप लोग गड़बड़ ना कर दें। समझ रहे हैं किस बात का डर था मेरे मन में? इस बात का, कार्बोकटायन से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उसको फ्री रेडिकल में अप्लाई कर देते कि सर ने तो यहाँ पे ऐसा बताया था। बट सर ने जो यहाँ पे ऐसा बताया था वो किसके रेस्पेक्ट में? कार्बोकटायन का स्टेबिलिटी देखने के लिए, राइट। बट यहाँ पे जितना हाइपर, यहाँ देखना है, यहाँ पे जितना हाइपर कंसर्न होगा क्या उतना ही अमाउंट का हाइपर कंसर्न यहाँ पे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो बाकी जगह जैसा आप सोचते हैं वैसा ही सोचिए। कैसा आप सोचते हैं? ऑर्डर ये है ना, मेजोमेरी ग्रेटर देन हाइपर ग्रेटर देन इंडक्टिव। अगर जहाँ पे हाइपर और इंडक्टिव होते रहेगा किसको किसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे? ए और ए होते रहेगा, किसके अकॉर्डिंग आंसर देते हैं? इन जनरल। दैट्स वाई यहाँ पे सिर्फ एक्सेप्शन था, बाकी जगह पे जैसा आप सोचते हैं। दिस फ्री रेडिकल स्टेबलाइज बाई व्हाट? दिस फ्री रेडिकल स्टेबलाइज बाई, बोलिए, प्लस एम। कौन सा एम? प्लस एम। बट दिस फ्री रेडिकल स्टेबलाइज बाई हाइपर कंसर्न। तो किसका फैक्टर ज़्यादा लेंगे? जनरली आप किसको ज़्यादा वैल्यू देते हैं, हाइपर कंसर्न को या मेजोमेरिक इफेक्ट को? मेजोमेरिक। यहाँ पे एक क्या शो कर रहा है? प्लस एम। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? हाइपर कंसर्न। तो ए ग्रेटर एम बी। दोनों एग्जाम्पल को एक साथ रखिए ताकि रिविजन में याद रहे। कोई भी इसको डोनर, इस यहाँ पे कोई भी एक डोनर लगा दीजिए, एनी डोनर। लाइक यहाँ पे एक CH लगा देंगे तो इसका इस पर डोमिनेट हो जाएगा, ठीक है। और इस टाइप का बहुत सारा एग्जांपल है एडिकेशन में, थोड़ा नहीं, एक चैप्टर का ही नाम है। उस चैप्टर में अबाउट 400 प्लस प्रॉब्लम है, 480 से भी ज़्यादा होगा। चैप्टर का नाम क्या था उसका? सब्सटेंट इफेक्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट, मतलब उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल सब एक साथ था, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों एग्जांपल से कोलेट हो गया। इसका मतलब यहाँ पे जो हाइपर कंजुगेशन इस केस में जो डोमिनेट हुआ था वो किसके रेफरेंस में? कार्बोकटायन के रेफरेंस में। बाकी जगह क्या सोचना है? जैसा सोचते हैं। कैसा सोचते हैं? मेजोमेरिक और हाइपर दोनों रहेगा तो मेजोमेरिक को फेवर करेंगे, हाइपर और इंडक्टिव रहेगा तो इन जनरल हाइपर को फॉलो करेंगे, करेक्ट। हो गया ना? यहाँ बोलिए, NBRS कितना? नो बॉन्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना? 10। एक ओरिजिनल कितना रहेगा? 10 रहेगा। एग्री। ड्रॉ करने का रिक्वायरमेंट है? इसमें NBRS कितना? सॉरी, इसमें NBRS होगा ही नहीं, इसमें हाइपर कंसर्न कहाँ हो रहा है? इसमें मुझे बोलना चाहता है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना? 5। सॉरी, इसमें क्या हो रहा है? नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसमें क्या हो रहा है? रेजोनेंस। इसमें क्या हो रहा है? नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसमें क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है, करेक्ट ना। यहां देखेंगे एवरीवन, फिर उस पे आते हैं। व्हेन फ्री रेडिकल कंजुगेटेड विद पाई बॉन्ड, करेक्ट। तो इसका रेजोनेंस कैसे दिखाते हैं? ऐसे ही दिखाते हैं ना, ये ऐसे। तो यहाँ पे कैसे, फुल एरो या हाफ एरो? तो ऐसा लग रहा है मानो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्या कर रहा है? बट ये ले रहा है, लग रहा है क्या?
ये देगा क्या, ये खुद इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, देगा? तो सर यहाँ तो ऐसा ही लग रहा है, बट यहाँ अगर इसका आगे बढ़ कर देखना है, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन था बोलना है भाई? दो था सर, इस दो में से एक इस कार्बन का, एक इस कार्बन का, करेक्ट? इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, कितना इलेक्ट्रॉन ले लिया? अपना वन इलेक्ट्रॉन है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? ये इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए आएगा, क्या करने के लिए आएगा? यस, तो बॉन्ड बनाने से इसका ऑक्टेट फुलफिल हो जाएगा, किसका ऑक्टेट? तो अब बताइए इसने दिया या यहाँ पे बस बॉन्ड बनाने के लिए? एक खुद अभी तक इसका ऑक्टेट फुलफिल है, इसका सेवन इलेक्ट्रॉन है। तो सर इसको फिर ऐसे दिखा देंगे? दिखाते ऐसे नहीं हैं, दिखाने ऐसे नहीं दिखाते हैं, दिखाते ऐसे ही हैं, बट इनडायरेक्टली ऐसा आपको लग रहा है कि ये दे रहा है, बट भाई ये इलेक्ट्रॉन इसको मिल रहा था, ऐसे होगा ना? और एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनेगा क्या? एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड नहीं बनेगा, तो एक ए दे रहा है तो एक ए भी दे रहा है यहाँ से लेकर, राइट? अब बताइए इसका ऑक्टेट फुलफिल हुआ या नहीं हुआ? हो गया। तो इसने दिया या लिया? लिया। इसका मतलब है कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे एक ग्रुप लग रहा है, लुक्स लाइक कि माइनस एम शो कर रहा है, क्या कौन सा एम? बट एक्चुअली कर रहा है प्लस एम, हाँ या ना? लग रहा है देखने से माइनस एम, बट ये शो क्या कर रहा है? इसके लिए इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है? हैं? ऑब्वियसली प्लस एम बोलेंगे, लिया थोड़े, ये तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दिया ना, ऐसे दिखाते ऐसे हैं, बट हुआ ये है स्टूडेंट, समझ गए? हुआ क्या है, दिया ये लिया है या दिया है अपना इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर इसके इसको दिया है, करेक्ट? यहाँ देखिए इतना बात करने के लिए बहुत डेप्थ का नॉलेज होना पड़ेगा, नहीं? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये अपना होमोलिटिक ब्रेक किया और इसके साथ जाके पेयरिंग कर लिया है, ये इसको इसके साथ, करेक्ट? तो लिया या दिया? दिया। तो यहाँ पे कौन सा इसका एम, माइनस एम या प्लस एम? प्लस एम, करेक्ट, दे रहा है, हो गया ना? अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ देखिए, इस एग्जांपल से आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सबसे पहले अपना आप लोग खुद का ओपिनियन दीजिएगा, ए और बी में कौन ज़्यादा स्टेबल, ऑनेस्ट ओपिनियन, जो भी आपको समझ में आता है, ए बी सी डी, ये नहीं कि सारा स्टार लगा दी इसलिए कुछ उल्टा होगा, जो भी आपको फील होता है वो आंसर देना है। देखिए मैं आपकी जगह पर तो सबसे पहले तो बी बोलता है, लुक्स लाइक, कभी कभी जानबूझ के मिस्टेक करना चाहिए, बी गेटन ए, उसको क्रॉस लगाइए, करेक्ट? इसे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे फ्री रेडिकल किस में इन्वॉल्व है? ऑनलाइन स्टूडेंट किस में इन्वॉल्व है? हाइपर कंजुगेशन, करेक्ट? बट यहाँ पे फ्री रेडिकल क्या कर रहा है? रिजोनेंस। तो रिजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन में कौन सा इफेक्ट ज़्यादा इफेक्टिव? रेजोनेंस का, राइट? एग्री? तो अभी भी आपको ऐसा लग रहा हो कि एनो टू इलेक्ट्रॉन ले रहा है, फैक्ट क्या है भाई? यहाँ ऐसे होने से सी एस टू डबल बॉन्ड एन, हाँ या ना? तो इसका ये रेजोनेंस करने से इसके पास जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी था, क्या और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी बन गया या इसका ऑक्टेट फुलफिल हो गया? ऑक्टेट फुलफिल हो गया। दिस इज द वजह कि फ्री रेडिकल को, अरे मैं खुद देखिए, आपको लगता है खुद के तरफ से ऐसा तो नहीं हुआ कि हाँ कल रात में मैंने सोया कुछ ऐसा ड्रीम देखा होगा, ओके माइनस एम के लिए ऐसे बोल देते हैं? कुछ स्ट्रॉन्ग एविडेंस रहेगा मेरे पास तो डी के सी में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, वही मेरा स्ट्रॉन्ग एविडेंस है,
और जो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आंसर दीजिएगा, ठीक है? और आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आएगा उसी के अकॉर्डिंग आंसर दीजिएगा। और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, वहाँ का जितना भी प्रॉब्लम है वो बहुत ही स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक से उठाया हुआ प्रॉब्लम है, उसमें सब फॉरेन राइटर का बुक उसमें डाला हुआ प्रॉब्लम डाला हुआ है। तो बिल्कुल कंक्लूजन है, तो माइनस एम ग्रुप फ्री रेडिकल को डी स्टेबलाइज करेगा या स्टेबलाइज करेगा? तो स्टेबलाइज करेगा। तो जनरलाइज कॉन्सेप्ट, कोई भी फ्री रेडिकल के साथ रेजोनेंस करेगा, कोई भी ग्रुप फ्री रेडिकल के साथ रेजोनेंस करेगा तो वो उसको स्टेबलाइज करेगा। और रेजोनेंस कौन करेगा? रेजोनेंस दो ही टाइप का करेगा, प्लस एम या माइनस एम वाला ग्रुप। इसका मतलब प्लस एम माइनस एम बोलना बेटर रहेगा या उससे ज़्यादा जनरलाइज स्टेटमेंट रेजोनेंस करने वाला ग्रुप? इफ एनी ग्रुप इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विथ फ्री रेडिकल, इसमें दोनों आगे दोनों एम आ गया, हाँ या ना, एक्सेप्टर भी आ गया और डोनर। एनी ग्रुप इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विथ फ्री रेडिकल देन इट इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। इसमें दोनों बात एक साथ मैंने बोल दिया। एग्री? बोलते ही नहीं हैं आप, नहीं इनको बोल रहे हैं जो सामने हैं। तो इसलिए यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी, ठीक है? एक लिखिए मेरी तरफ से, एनी ग्रुप विच इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विथ फ्री रेडिकल, नोट करके, एनी ग्रुप इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विथ फ्री रेडिकल इवेन इट इज प्लस एम और माइनस एम, इवेन इट इज प्लस एम और माइनस एम इंक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, इंक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। ए और बी में कौन ज़्यादा स्टेबल? यस, बी ग्रेटर देन ए। वजह, यहाँ पे रिंग के साथ भी रेजोनेंस करेगा और इस एल्डिहाइड ग्रुप के साथ भी करेगा, राइट? तो रेजोनेंस जितना ज़्यादा रेजोनेंस इन्वॉल्व होगा उतना ही ज़्यादा टाइम तक इसका ऑक्टेट फुलफिल रहेगा, जितना ज़्यादा फ्री रेडिकल रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा उतना ज़्यादा टाइम तक इसका क्या फुलफिल रहेगा? ऑक्टेट फुलफिल। दैट्स वाई बी, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी के लिए अब आपको प्लस एम माइनस एम देखना है या ज़्यादा रेजोनेंस देखना है? रेजोनेंस देखना है, तो बिग टर्न है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो जो भी कुछ कुछ बातें लिखवाते नहीं यार, बोलते रहते हैं, तो उसको खुद अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो कहीं पे कोड वर्ड में लिखते चलिएगा, रिवीजन के टाइम में काम में आ जाएगा, करेक्ट? अब लिखिए, होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, कुछ ऐसा भी रिएक्शन है ना जहाँ पे थर्मोडाइनेमिकली ज़्यादा कंट्रोल रहता है, एक रिएक्शन का नाम बताएं। जनरली फ्री रेडिकल रिएक्शन कंट्रोल थर्मोडाइनेमिकली, उसका एग्जांपल भाई पिछले क्लास में ही पढ़ाया हूँ, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन, उसका इनर्जेटिक्स तो कंपेयर किए थे, क्या कंपेयर किए थे? इनर्जेटिक्स, राइट? और वहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे? बॉन्ड ब्रेक करके एनर्जी, करेक्ट ना? तो हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, हेडिंग क्या है? शॉर्टकट में, अब सर ये तो हेट्रोलिटिक भी हो सकता है, तो जनरलाइज कर लेंगे, राइट? यहाँ देखिए स्टूडेंट, एक कितना डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री, एक कितना डिग्री,
यस 3 डिग्री। एक कितना डिग्री? तो इसका नाम दे देते हैं एच ए, एच बी और एच सी। तीनों को वन बाय वन ब्रेक करें होमोलिटिकली, और होमोलिटिक ब्रेकेज होगा तो क्या बनेगा? फ्री रेडिकल। तीनों को ब्रेक कीजिए और फ्री रेडिकल बनाइए फास्ट। चलिए स्टूडेंट, अगर एच ए के क्रॉस बॉन्डिंग सोचते हैं, इस बॉन्ड को अगर ब्रेक करते हैं होमोलिटिक, लेकिन तब तो फ्री रेडिकल ए बनेगा। सही बोलो ना। और अगर एच बी के क्रॉसपॉन्डिंग सोचते हैं, तब तो फ्री रेडिकल ए बनेगा। और अगर एच सी के क्रॉसपॉन्डिंग सोचते हैं, तो अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूस फ्री रेडिकल, सबसे ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल कौन रहेगा? अब फ्री रेडिकल का मतलब इंटरमीडिएट बना रहे हैं। फ्री रेडिकल का मतलब क्या? इंटरमीडिएट का मतलब आप यहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? यहाँ पे ऊपर में, राइट। इंटरमीडिएट एनर्जी प्रोफाइल पे कहाँ रहता है? नीचे रहता है या ऊपर में रहता है? और ऊपर में जाने के लिए आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन देना पड़ेगा, राइट। तो सबसे इजली कौन बनना चाहेगा? बी। 3 डिग्री रेडिकल है, राइट। इट इज स्टेबलाइज बाई 8 हाइपर कंजुगेट। उसके बाद इट इज स्टेबलाइज बाई 4, 3 और 1, एंड इट इज स्टेबलाइज बाई 1 हाइपर कंजुगेबल। इज इट राइट? इसका मतलब है कि इन तीनों का अगर इसका नाम ए डैस बोला जाए, इसका नाम बी डैस, इसका नाम सी डैस, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा? बी डैस ग्रेटर देन ए डैस ग्रेटर देन सी डैस, करेक्ट। तो भाई जिस इसमें जिसका बनने का एक मिनट है, जिसका बनने का टेंडेंसी ज़्यादा, जिसका यहाँ देखिएगा, जिसका बनने का टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा मतलब उसमें एफर्ट कम लगेगा, इसका बनने का टेंडेंसी ज़्यादा मतलब उसमें एफर्ट कम मतलब उसमें एनर्जी कम खर्च होगा। इसका मतलब है होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बोल दिया जाए? क्या? स्टेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूस फ्री रेडिकल। सही है ना एवरीवन? तो इस बेसिस पे अगर यहाँ पे मुझे एनर्जी खर्च करना पड़ा डेल्टा एच वन, यहाँ पे खर्च करना पड़ा डेल्टा एच टू, और यहाँ पे अगर खर्च करना पड़ा डेल्टा एच थ्री, तो इस एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? मान लो यहाँ पे मुझे डेल्टा वन देना पड़ा, इसमें डेल्टा टू और इसमें डेल्टा थ्री, और ऑल आर इंडोथर्मिक प्रोसेस, बॉन्ड तोड़ रहे हैं, तोड़ना और क्या हो सकता है? इंडोथर्मिक। तो ऑर्डर क्या रहेगा? सबसे ज़्यादा डेल्टा थ्री का वैल्यू रहेगा। उल्टा ना, सीधा चलेगा या उल्टा चलेगा? इन्वर्सली, राइट। तो स्टेबिलिटी का जस्ट उल्टा क्या रहेगा? एनर्जी का ऑर्डर डेल्टा थ्री, उसके बाद सबसे कम किसका? डेल्टा टू, समझ गए? अब यहाँ देखिए दिक्कत क्या होता, जनरली बॉन्ड लेंथ, एमओटी में चलते हैं अब,
कहाँ? MOT में बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड लेंथ में क्या रिलेशन था? बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम। अब बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा मतलब बॉन्ड ज़्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा। तो जनरली मोटा मोटी तो हम लोग बॉन्ड ऑर्डर से देख लेते हैं, बॉन्ड ऑर्डर 3 रहेगा, बॉन्ड ऑर्डर 2 रहेगा, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 मतलब 3 बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो वहाँ से भी ऑर्डर आंसर दे सकते थे। बट क्या यहाँ पे MOT से आंसर दिया जा सकता है? हाँ या ना बोलिए। नहीं, क्योंकि सबका बॉन्ड ऑर्डर 1, 1 एंड 1। फिर इससे अगर आंसर नहीं देते तो एक और तरीका निकाल लेते। क्या कौन सा? वन ऑफ द फैक्टर नॉट ओनली वेयर बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ अवर वाइटल, राइट? यहाँ से भी हम लोग आंसर देने की कोशिश करते थे, बट यहाँ भी इसमें प्रॉब्लम है। दिस बॉन्ड, दिस सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ sp3 कार्बन एंड 1s, एग्री? दिस सिग्मा बॉन्ड ऑल्सो फॉर्म्ड ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ, बोला कीजिए भाई आप लोग। sp3 कार्बन एंड 1s, करेक्ट ना? तो क्या इस फैक्टर से आंसर दे पाते? नहीं दे पाते। तो यहाँ पे अब आपका मजबूरी है, इस तरीके से आंसर देना पड़ेगा। मान लेते हैं गलती से आपसे मैंने बॉन्ड लेंथ का ही ऑर्डर पूछ लिया, तब तो आप बोलेगा सबका बॉन्ड लेंथ सेम ही रहेगा। बट क्या यहाँ से लॉजिक नहीं लगा सकते हैं? डैम्स और इसका बॉन्ड लेंथ स्लाइटली बड़ा रहा होगा। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम तो बॉन्ड लेंथ थोड़ा ज़्यादा, ऑलमोस्ट सेम रहेगा बट थोड़ा तो ज़्यादा रहा होगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं। लास्टली इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा delta 1, delta 2, delta 3 का ऑर्डर, तो अब निकल जाएगा, करेक्ट? तो बोलिए हेट्रोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर क्या था? कि उसमें क्या कॉन्सेप्ट दिए थे? हेट्रोलिटिक में कार्बोकटायन बनता था, क्या बनता था? और होमोलिटिक में क्या बन रहा है? फ्री रेडिकल, राइट? हेट्रोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हो गया ना। हेट्रोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या था? स्टेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूस कार्बोकटायन, दोनों को एक जगह लिख लेते हैं, एंड होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये क्या था? स्टेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूस फ्री रेडिकल, करेक्ट है ना? चलिए तो दोनों में कॉमन बात क्या है? सर एक काम करते हैं, अब याद करने के लिए जनरलाइज कर लेते हैं, होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक को हटा देते हैं, राइट? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, बोलिए कुछ तो बोलना पड़ेगा, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूस क्या? इंटरमीडिएट, ये ज़्यादा जनरलाइज हो गया, राइट? बॉन्ड डिसोसिएशन करेंगे तो दो ही टाइप का करेंगे, या तो हेट्रोलिटिक नहीं तो होमोलिटिक, हेट्रोलिटिक करेंगे तो कार्बोकटायन बनेगा और होमोलिटिक करेंगे तो क्या बनेगा? फ्री रेडिकल। तो दिस वन इज मोर एंड मोर जनरलाइज। मैं मुझे याद रहता करना होता तो मैं शॉर्ट नोट्स में इसको रखता, इसमें दोनों आ जाता एक साथ, करेक्ट? ठीक है ना?
बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? कार्बन और हाइड्रोजन का हेटरोलिटिक नहीं होता है, होमोलिटिक ब्रेकेज होता है। आज के बाद कार्बन हाइड्रोजन क्या क्या करना है? आज के बाद अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी राइट, तो जनरली कार्बन और हाइड्रोजन में कैसा ब्रेकेज होता है? होमोलिटिक होता है, ठीक है ना? तो क्या ऑर्डर हो जाएगा? होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर मुझे लगता है बी घटन ए होना चाहिए, राइट? करेक्ट है ना एवरीवन? क्योंकि यहाँ पे इसका रेजोनेंस का फैक्टर यहाँ पे हाइपर कंसर्न, करेक्ट? अब इन दोनों में बोलिए। यस, पकड़ लिए मैं क्या सोच रहा था? क्या एक्सेप्शन अलॉ राइट, हेट्रोलिटिक ब्रेकेज, तो यहाँ पे 9 हाइपर का जो डोमिनेट कर जाएगा, इसका कार्बोक्टाइन का स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को समझ पाए कि मैंने यहाँ पे इन दोनों को एक साथ क्यों लिया? तो बी गेट एन ए हेट्रोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो मैं यहाँ पे कार्बोक्टाइन बनाया नहीं, आप लोग तो रफ वर्क कर लेंगे ना कार्बोक्टाइन बनाकर, राइट? कर लीजिए, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। इसका नाम मैं H1 बोल रहा हूँ, इसका नाम H2, हेटरोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसका नाम H1 H2 करस्पॉन्डिंग, मतलब इसका अगर Δ1 लग रहा है, इसमें Δ2 लग रहा है। डेल्टा नहीं होगा ही ना, दूसरी बात है, ऑर्डर देना रहेगा तो कुछ तो ऑर्डर देंगे। सर इस Δ1 ग्रेटर देन Δ2, आपकी बात को ही मैंने रख दिया, नहीं होगा, मतलब बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? ब्रेट्स रूल, राइट? इसका मतलब इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रहेगा। ये आपको और हमको पता है ना, जो नहीं पढ़े हैं ब्रेट्स रूल, ब्रिज हेड कार्बन, उनको थोड़े पता रहेगा, उनको तो 3 डिग्री दिमाग में चलता रहेगा। कितना डिग्री? उनको लगेगा कि यहाँ पे 3 डिग्री रेडिकल बनेगा, तो स्टेबलाइज बाई 6 हाइपर कंजल, और यहाँ पे 2 डिग्री रेडिकल रहेगा तो स्टेबलाइज बाई लेस हाइपर कंजल, उनको दिमाग में रहेगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग फैक्टर हो गया, जिस फैक्टर का नाम क्या है कि ब्रिज हेड कार्बन पे क्या नहीं बनाते हैं? sp2, और अगर रेडिकल बनेगा तो sp2 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो मुझे लगता है कि Δ1 > Δ2 यहाँ पे आपने हाइपर कंजल सोचा या एक यहाँ पे ब्रेड सुल आ गया दिमाग में, लिख लीजिएगा, बाद में भूल जाइएगा, ठीक है? हालांकि भूल नहीं पाइएगा, ब्रिज हेड तो मैं इतना बार ले लिया हूँ कि अब याद ही हो गया, राइट? इंपॉर्टेंट है, कम से 10-15 बार तो ले ही लिए हैं, और कुछ टाइम और आएगा। तो चलिए, इस तरीके से हम लोग कवर कर लिए फ्री रेडिकल। इसके बाद आपके क्लास में स्टार्ट होगा